आपको पता 62 में चाइना में इतनी जबरदस्त भुखमरी थी, वहां पर दो वक्त का खाने का नहीं था, और विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना 20, 30, 40 साल में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वहां के लोगों ने अपने देश के प्रति अपना समर्पण किया। और चाइना महाशक्ति बना उसका सबसे बड़ा कारण, पूरे विश्व में 190 देशों में सबसे बड़ा कारण भारत बना। क्यों बना आपको पता है? बताएं कोई कि भारत के लोग हमेशा सस्ते के चक्कर में रहते हैं, और इस बार यह हुआ कि सस्ते के चक्कर में हमारे देश के साथ में हमने धोखा कर लिया। मैंने कहा कि देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, और स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। आज चाइना से बनी हुई चीजें भारत में बिकी, सारा पैसा चाइना को गया, और चाइना ने उन्हीं पैसों से अपनी शक्ति को बढ़ाया, और आज भारत के सामने अपनी तोप और टैंक लेके खड़ा हो गया। तो ये दोष किसको हुआ? ये गलतियां किसकी हुई? किसकी हुई? भगवान श्री राम ने जब रावण को मारने के लिए बाण चलाए, बहुत सारे बाण चलाए, तो रावण मरा ही नहीं, उसके माथे कट गए, फिर भी रावण नहीं मरा। भगवान की चक्कर में पड़ गए कि आखिर में क्या, ऐसा क्या? विभीषण ने आके कहा कि भगवान इसकी नाभि में अमृत कलश है, और जब तक वो अमृत कलश जल नहीं जाए, जब तक वो अमृत कलश खत्म नहीं हो जाए, तब तक ये दुष्ट नहीं मरने वाला। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उसकी नाभि पर उस अमृत कलश को जला दिया, रावण का अंत हो गया। तो उसी प्रकार से इस देश में यदि आप लोग सुख और अमन की बात करना चाहते हो, चाइना को एक बार फिर हम युद्ध की शक्ति से नहीं हरा सकते, ये तय है। और यदि युद्ध हो गया तो भारत में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिस गति से भारत आर्थिक रूप से जिस प्रकार से संपन्न और समृद्ध होने जा रहा है, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां के सिस्टम बढ़ने जा रहे हैं, 10 दिन के युद्ध में भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, फिर देश 15 साल तक नहीं उठ पाएगा वापस। इसलिए कई लोग, हमारे युवा लोग कहते हैं कि आर पार हो जाना चाहिए। मित्रों, आर पार हो तो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास में ताकत भी तो पूरी चाहिए। एक बहुत बड़ा मंत्र देके ना जाना, भैया बैठ जाओ, जय हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाद में मैं बात करूंगा आपसे, अभी मेरे को बैठ जाइए। एक मंत्र देके जाना चाहता हूं कि चाइना की आर्थिक शक्ति है भारत, क्योंकि वहां के अरबों रुपए के प्रोडक्ट वहां बनते हैं और भारत के पैसे चाइना में जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा संकल्प करें कि मैं जीवन में ये संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी हालत में अपना गुजारा चला लूंगा, लेकिन चाइना की किसी चीज का उपयोग नहीं करूंगा। ऐसे कितने लोग मेरे साथ में संकल्प लेने के लिए तैयार है? ये बाबा का दरबार है, हाथों को खोलकर संकल्प नहीं होता। मित्रों, मुट्ठियों को बंद करें एक बार, और जिनके हाथ नीचे हैं उनको, उनका क्या मन है? और ये बाबा का जगती हुई ज्योत के सामने मैं आपको संकल्प दिलवा रहा हूं। आप लोग मेरे साथ बोलिए, मैं अपना नाम बोलिए, मैं अपना अपना नाम बोलिए, मैं बाबा रामदेव जी महाराज की इस जगती हुई ज्योत के समक्ष हाथ ऊपर उठा के रखिएगा, ये संकल्प करता हूं, बाबा की कसम खाता हूं कि मैं चाइना की किसी भी बनी हुई चीज का उपयोग नहीं करूंगा। बलि अजमल घर अवतार की, और इसीलिए परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है, परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। आप बताओ परावलंबी का क्या अर्थ हुआ? जो दूसरों पर आश्रित होता है ना, उसका कभी दुनिया में नाम नहीं होता, क्योंकि वो किसी के भरोसे है। जैसे पाकिस्तान अमेरिका के भरोसे है, तो पाकिस्तान में भुखमरी है।
भारत किसी के भरोसे नहीं, भारत अपनी क्षमता स्वयं रखता है। और इसलिए मैंने कहा कि परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। और आप लोग गलतफहमी में मत रहना कि कुछ नहीं होगा। देखिएगा, शब्दों को सुनिएगा। परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है, मृग तृष्णा में मति भक्ति को छीना सब कुछ जा सकता है, मृग तृष्णा में मति भक्ति को छीना सब कुछ जा सकता है। अगली पंक्ति पर गौर करना। मायावी संसार चक्र में कदम बढ़ाओ ध्यान, मायावी संसार चक्र, आपको 7000 में स्क्रीन टच मोबाइल देके आपको कितना बड़ा लूटा जा रहा है, कितना नुकसान किया जा रहा है वो आपको पता नहीं है। हम तो खुश हो जाते हैं कि 7000 में 20000 जैसा फोन मिल गया। थोड़ा देख लेना, स्वदेशी का उपयोग करना, क्योंकि एक लंगोटी वाले बाबा रामदेव ने पतंजलि जैसे एक ऐसे प्रोडक्ट को इंडिया को दे दिया है जिसमें जीवन की सारी चीजें आ गई है। और हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों को हमने दे दे के विश्व को न्याल कर दिया। अब ऐसा मौका आया है कि इस देश में हम पतंजलि को अपना के, स्वदेशी चीजों को अपना के, मैं किसी का एम्बेसडर नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में, कोलगेट को छोड़िए और दंत क्रांति को यूज कीजिए। मृग तृष्णा में मति भक्ति को छीना सब कुछ जा सकता है, मायावी संसार चक्र में कदम बढ़ाओ ध्यान, अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से, अपने साधन नहीं बढ़ेंगे। चाइना बहुत अच्छा बनाता है, कोरिया बहुत अच्छी चीजें बनाता है, अमेरिका बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाता है, जापान की चीजें क्वालिटी की आती है, ऐसा गुणगान करने से भारत का भला हो गया क्या? पड़ोसी के घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी आपके घर में आएगी क्या? पड़ोसी का बंगला बना हुआ है आपके, आपका बन जाएगा क्या? बनेगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो बनेगा। इसलिए अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से, देश उठेगा, देश उठेगा, देश उठेगा अपने पैरों, निजी गौरव के खान से, स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से, जिए सुख सम्मान से, जिए सुख सम्मान से, जिए सुख सम्मान से।